हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों के बयान पर विवाद। शमशेर सिंह गोगी ने कहा सरकार बनी तो अपना घर भरेंगे। नीरज शर्मा बोले 50 वोट पर एक नौकरी का कोटा। और पहले अपना घर तो भरेगी, और पहले अपना घर तो भरेगी। जिता के भेजो 2000 का कोटा मिलेगा और मैं 50 वोट पर एक नौकरी की सिफारिश। और जा काम से जितना ज्यादा तबको भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा नौकरी लगेंगे। यू मेरो फैसलो ना, इस समण को फैसला कल को मेरे ऊपर थोप दो। अपना घर भरेंगे, 50 वोट पर एक नौकरी दिलाएंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों के इन बयानों ने हरियाणा में विरोधियों को मौका दे दिया है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने नीरज शर्मा के बयान को शेयर करते हुए कहा कि हुड्डा की नीयत और कांग्रेस के असली चाल चरित्र का प्रचार करते हुए कांग्रेस मैनिफेस्टो का पहला वादा नौकरी फिर खर्ची पर्ची पर बांटेंगे। हरियाणा बीजेपी ने कांग्रेस के संकल्प पत्र और शमशेर सिंह गोगी का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और लूट का इससे बड़ा खुला ऐलान और क्या होगा भला। जेजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। दुष्यंत ने कहा कि पहले जमीनें बेची सौदागरों को, अब खुश करेंगे रिश्तेदारों को, फिर पेट भरेंगे ये सब अपना, नौकरियां देंगे सिर्फ यारों को। इसी बीच सोशल मीडिया पर जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उम्मीदवारों के इन बयानों ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। हालांकि अब तक कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर इन बयानों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ABP News आपको रखे आगे।